दोस्तों आज हम मिलने जा रहे हैं मुर्रा भैंसों का महाराजा, हिंदुस्तान का गौरव पुष्कर और नागौर समेत सभी पशु मेलों की शान भीम बुल को। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के तारीख में भीम देश का सबसे ताकतवर और विशाल बुल है। इसका वजन है 1300 किलो, ऊंचाई है 6 फीट और लंबाई है 14 फीट। भारत के सभी बड़े पशु मेलों के खिताब यह भीम बुल जीत चुका है। खास डॉक्टर और 4 मजदूरों से इस भीम बुल की निगरानी की जाती है। हर दिन 2 घंटे तक इसको वॉक कराया जाता है और महीने में 2 बार बालों की स्पेशल ट्रिमिंग भी कराई जाती है। भीम के परवरिश पर हर दिन करीबन 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा भी किया जाता है। इस भीम बुल की विशेषताएं और सीमेंट की बढ़ती मांग को देखकर खरीदारों ने इसे 15 करोड़ रुपए में खरीदने की ऑफर भी दी है। लेकिन इसके मालिक इसको बेचने के बजाय किसानों की पशु नस्ल सुधार करना चाहते हैं और वे भीम के माध्यम से किसानों की आमदनी को दुगनी करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। भीम के माध्यम से वे देश के सारे पशुपालक किसानों से जुड़ रहे हैं तथा देश की खेती और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भीम आज भारतवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों का आकर्षण केंद्र बिंदु बना हुआ है। चलिए तो भीम बुल की अधिक जानकारी लेते हैं इसके मालिक और पशुपालक श्रीमान अरविंद जांगिड़ जी से। मेरे पास पशुपालन बहुत लंबे समय से रहा है और हम अक्सर पंजाब और हरियाणा से अच्छी नस्ल की भैंसें लाया करते हैं। तो ये हमारे साथ वहाँ हरियाणा से भैंस के साथ आया था और तब से लेकर आज 6 साल हो गए इसकी हम सेवा कर रहे हैं। और आज जो हमने इसकी सेवा की है वो आज साबित कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि जो हमारी मेहनत थी, जो मेरी सोच थी, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान का गौरव आज ये है और आगे भी नस्ल सुधार में ये अपना सहयोग करेगा। अश्व प्रेमी हूँ मैं, मुझे अश्वों का बड़ा शौक था। मैं हमेशा घोड़ा पालना चाहता था लेकिन जब ये बच्चा मैंने देखा तो मुझे इसमें लगा बाय बर्थ कि ये कुछ अलग तैयार किया जा सकता है। उसका बोन स्ट्रक्चर बड़ा था, ये अपने औसत आयु से थोड़ा बड़ा था, तो उम्र के हिसाब से वजन और जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर था वो इससे अच्छा था। तो मुझे लगा कि इसके अगर ऊपर वर्क किया जाए, इसको अगर ढंग से रखा जाए, इसकी परवरिश की जाए तो ये निश्चित तौर पे कुछ अच्छा जानवर बनेगा। फिर मैंने अपने लेबर्स को कहकर इसकी सेवा करवाई और 5 साल तक सेवा करने के बाद आज इसने अपने आप को साबित किया है। इसका जो मदर है वो करीब करीब 10-12 साल की है, 12 साल के आसपास की है और इस भीम के अभी तक 26 बच्चे आए और वो 26 के 26 बच्चियाँ हैं। ये पशुपालकों के लिए एक खुशी की बात है। सेक्स सीमन में भी ये कहा जाता है कि 80% फीमेल्स आती है और 20% का एरर रहता है, लेकिन इसने जो नेचुरली इसमें जो सेक्स सीमन वाली क्वालिटी है एट द वेरी लेस प्राइस, बहुत ही कम लागत में जो सेक्स सीमन मिलता है 3000-4000 का, उस सेक्स सीमन की वो जो पूर्ति है वो इसका सीमन सिर्फ लागत से भी कम में किसानों को उपलब्ध हुआ जा रहा है। भीम बुल के जो फादर हैं वो खली हैं। खली अपने समय के बहुत ही बढ़िया बुल रहे हैं और उनको ऑल टाइम विनर सर्टिफिकेट दिया है पंजाब सरकार ने और उनको मान सम्मानित किया है। खली ने जितने भी कंपटीशन में भाग लिया है वहाँ पे वो फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं, लेकिन फिर दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार ने खली को प्रदर्शन करने के लिए मेलों में बुलाया जाता है और उसको ऑल टाइम विनर घोषित कर दिया है। अब खली के जो बच्चे आ रहे हैं, खली के खूब सारे बच्चे हैं, तो उसमें से भीम सबसे अच्छा निकल के आया है और जितने भी खली के बच्चे हैं, चाहे वो किंग हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे केसर हो, ये खली के अच्छे बच्चे हैं। अर्जुन का भी है, दूसरे भी बुल इसके साथ किंग 2 है, सम्राट है, इस टाइप से जिन लोगों ने खली के बच्चों को अच्छे से पाला है उनका नाम हुआ है और आज भीम उस खली का सबसे अच्छा बच्चा है। तो ये लाइन अपने आप में डिस्क्राइब करती है कि वो एक मुर्रा के बेस्ट जेनेटिक फॉर्म में चल रही है। भीम जो है मुर्रा ब्रीड से बिलोंग करता है। मुर्रा के कैरेक्टर्स ऑलरेडी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं। जब हम इसको उसमें कंपेयर करते हैं तो इसको 100 out of 100 मार्क्स मिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि साइंटिफिक रीजनिंग पर हम भीम को अच्छा बुल मान सकते हैं। अब उन कैरेक्टर्स में कुछ और अच्छी चीज़ निखर के आए, जैसे हाइट, लेंथ, फिजिकल स्ट्रक्चर,
तो जो मुर्रा का जो कैरेक्टर के साथ में इसका जो फिजिक ग्रो हुआ है वो एक्सट्रीम हुआ है। अब इसकी हाइट अभी 6 फीट है, इसकी लेंथ जो है नोज टू टेल 14 फीट है, इसकी आगे से जो है बॉडी पतली है, पीछे की तरफ जाके वाइड और हाइट लिए हुए हैं, वो इसकी स्किन जो है बहुत स्मूथ और काली है, पतली स्किन है। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं हाई यील्ड मिलकर के हैं, जो क्वालिटीज इसकी जेनेटिक्स में चली गई, इनके बच्चों में चली गई, तो साइंटिफिक रीजन में 30-70% मिल्क अब उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। तो सोचिए उनके बच्चों में ये क्वालिटीज आएगी तो इनके बच्चे जो होंगे वो हाई यील्डर होंगे। ये इसकी विशेषता है। इसका वजन करीब 1300 किलो है, लेकिन ये इतना बल्कि होते हुए भी बहुत फिट है और इसकी वॉकिंग होती है 2 घंटे रोज। ये अच्छे अच्छे एथलीट को भी पीछे छोड़ देता है। मेरे लिए तो ये इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है मॉनेटरी में, मॉनेटरी फॉर्म में, पैसों में मेरे लिए इसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी कुछ लोगों ने 15 करोड़ रुपए तक ऑफ़र किया है, लेकिन मैं जानता हूँ जिन लोगों ने 15 करोड़ रुपए मुझे ऑफ़र किए हैं वो ये जानते हैं कि इस बुल की वर्थ 80-90-100 करोड़ है। लेकिन वो उनके हाथ में अगर चला गया तो जो किसानों को फ़ायदा मुझसे बहुत ही लागत मूल्य पे मिल रहा है, वहाँ उसके सीमन की उपलब्धता 3-3 हज़ार रुपये में होगी, जो कि आम किसान के लिए ले पाना मुश्किल होगा। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो नस्ल और जो गिफ्ट मुझे भगवान से मिला है उसको मैं पूरे के पूरे किसानों को बांट कर उनके साथ रहकर उसका आनंद लूं। सीमन का प्राइस हमारे जो लागत है उससे भी हमने कम तय किया है, सिर्फ इसलिए कि महंगा होगा तो पूरे भारतवर्ष के किसानों और पशुपालकों तक नहीं पहुंचेगा, सस्ता सुलभ होगा तो सबको मिलेगा और उसका उपयोग सब ले सकेंगे। अब मेरे पास आज तक किसी भी सरकार के द्वारा, ना केंद्र ना राज्य सरकार के द्वारा कोई मदद दी गई है, ये जो सारा काम है वो मैंने अपने बलबूते पे किया है। मुझे इसके सीमन को बनाने में और जनता में वितरण करने में कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरे सीमन की जो सरकारी सीमन है उससे लागत ज़्यादा होने के कारण, सब्सिडी न होने के कारण, जो मार्केट में दूसरे बुल हैं जिन प्राइवेट बुल जो जिनका सीमन चलता है उससे भी कम पैसों में मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। देखिए वैसे रूटीन में जब हम पहलवान को तैयार करते हैं तो उसका डाइट चार्ट अलग होता है। बेसिकली इसे 20 से 25 लीटर सुबह दूध दिया जाता है, 250 ग्राम शहद उस दूध में मिला के दिया जाता है, फिर इसको 2 घंटे तक वॉक करवाई जाती है और वॉक करवाने के आने के बाद इसका फीड शेड्यूल जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमारे डॉक्टर जो LSA हैं उनको फीड देते हैं। बेसिकली हम लोग इसको 1 किलो देसी घी दलिए में पका के देते हैं जो कि गिर गाय का होता है, इजी डाइजेस्टेबल है और नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स है वो, उसमें जितना नेचुरल सोर्स में उतना किसी में नहीं है। फिर हम लोग इसको ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विटामिन्स के, अदर एलिमेंट्स के, तो वो क्या है कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाया है। उसके अलावा इसकी जो फीड चार्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसका रेशियो डे टू डे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फीड, जो ये फीड खाता है उसके हिसाब से डॉक्टर उसको देते हैं। किसी भी एनिमल की कंप्लीट फुलफिलमेंट करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मिनरल मिक्सचर हो गया, उसका अच्छे फीड सप्लीमेंट्स हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, वो रूटीन टाइम पे डॉक्टर का जो डीवर्मिंग प्रोग्राम है, अदर दूसरे जो हैं टाइमली वैक्सीनेशन है, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट माइंड में रख के फिर इसके ऊपर वर्क किया जाता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जन्म के बाद नहीं बनता, उसकी प्लानिंग माँ के गर्भ से शुरू होती है। वहाँ से जब कोई आप चीज़ अच्छी बनाना चाहते हैं तो पहले तो उस बच्चे को अपनी माँ के गर्भ में ही बहुत अच्छा बनाए। जब वो बच्चा जन्म जाए उसके बाद उसको जो मेडिकली केयर करके उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसमें मेडिकल साइंस की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से आप 3 महीने तक आप बच्चों को चारा नहीं खिलाना चाहिए, उसको दूध पे रखना चाहिए। 3 महीने तक जितना बच्चा अच्छा दूध पिएगा उतना ही उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ आप काफ स्टार्टर्स हैं जो फीड है काफ के लिए वो दो, 3 महीने तक बच्चों की अच्छे से केयर करो, बर्थ के जस्ट बाद में अच्छा 2-3 दिन बाद में जब भी सूटेबल हो
आप उसको डीवर्म करवाएं और उसको केयर करते हुए आगे बढ़े। देखिए, अगर हम ये सोचें कि मुझे एक्सपेंस आ रहा है ना, तो इस एनिमल को बना नहीं पाते। हम लोगों ने एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया और खुले दिल से खर्चा करते हैं, तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे इसके ऊपर खर्च आता है। लाखों लोगों ने इसे देखा, इसे सराहाया, इसे बहुत अच्छा माना। तो इस चीज़ को बनाने का कार्य था भगवान का। जब भगवान ने कोई चीज़ गढ़ने के बाद मुझे दे दी और मैं उसका पूरा उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी जनता के साथ रहना, मेरे पशुपालकों के साथ रहना, उनकी उन्नति में ही मेरी उन्नति है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इसका वंश है, उस वंश का और अपवृद्धि करें, उनमें वृद्धि करें, जिससे उनका आर्थिक लाभ और पशुओं की गुणवत्ता में फ़र्क आएगा, उभार आएगा। कि मेरा ये मानना है कि मैं कम से कम लागत पर भीम के सीमन को जनता तक पहुंचाऊं और भैंस की नस्ल सुधार के कार्यक्रम में सहयोग करूं, और वो भी सीमित संसाधनों में, किसानों का 1 रुपया भी खर्च ना हो और उनको अच्छी नस्ल प्राप्त हो, ये मेरा मोटिव रहेगा। आने वाले कुछ समय में भीम का सेक्स सीमन, जिसमें सिर्फ बच्चियां ही पैदा हों, वो भी मार्केट में आएगा। उसके बाद हमारा फोकस रहेगा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट में। जब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ जाएगा, तो वो जो 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम देने वाली, दूध देने वाली जो भैंस है, उसकी भी बच्चियां 20 से 25 लीटर दूध देने वाली होगी। तो सीमित संसाधनों में पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, ये मेरा मोटिव रहेगा और ये मेरा टारगेट रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की बात कही है। मैंने उस एजेंडा को लेते हुए भीम के सहयोग से हमारे किसानों की आय 10 गुना 2019 में ही प्राप्त कर लिया है। ये जीडीपी की ग्रोथ में इन्फ्लेटर का काम कर सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड। भारत सर्व दूध उत्पादन वाला देश है और उसमें 65% लोग किसान हैं, और हर किसान के पास भैंस और गाय है। अगर उस गाय के दूध के अंदर 30 से 70% दूध की पैदावार अगर बढ़ती है, तो वो हमारे पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को इफेक्ट करेगी। तो मैं सिर्फ इस चीज़ से ये साबित करना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, अब आप कैलकुलेट करें, जो फैक्टर जीडीपी को और पर कैपिटा इनकम को इफेक्ट कर सकता है, तो उसकी वैल्यू अब आप कैलकुलेट करें। और हिंदुस्तान के अंदर 75% बफेलोज के अंदर अगर 30-70% एज पर द साइंटिफिक रीजंस अगर मुर्रा की इंसेमिनेशन से मिल्क ईड बढ़ती है, तो आप टोटल प्रोडक्शन में देख लीजिए, उसी प्रोडक्शन को आप, पहले तो सप्लीमेंट होगा पूरे इंडिया में, ओवर जो सप्लाई है वो आप एक्सपोर्ट में जाएगा। गल्फ कंट्रीज़ के पास दूध नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ के पास भैंस का दूध जाएगा, जो इंडिजीनियस ब्रीड है। सबसे बड़ी बात है कि बफेलो इज़ इंडिजीनियस ब्रीड, और इंडिजीनियस ब्रीड का मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, A2 क्वालिटी मिल्क हम पहले उपयोग करेंगे हमारे बच्चों के लिए, और जो सरप्लस है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है और हो रहा है, नई बात नहीं है। अमूल एक्सपोर्ट करता है दूध। अमूल ट्रेट्रा पैक में मोर देन 300 रुपीज़ पर लीटर हमारा मिल्क एक्सपोर्ट होता है। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड अर्निंग एक्सचेंज टू इंडिया। वो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने में भी मददगार है, तो ये छोटी बात नहीं है। किसान भाइयों, आपके लिए हम हमेशा वैज्ञानिक खेती के नए नए विषयों पर वीडियो स्टोरी बनाते हैं। इस बार हम आपके लिए ये अनोखी और शानदार वीडियो स्टोरी लेके आए, क्योंकि ये भैंस पशुपालक किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही नए और अनोखे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस भीमकुल के सीमेन की अधिक जानकारी के लिए श्रीमान अरविंद जांगिड जी से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं।